एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो कि हमें दे रखा है 2x + 3y = 11। एक लाइन दे रखी है 2x + 3y = 11, सो नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2x - 4y = -k24, इक्वेशन नंबर सेकंड को हल करना है। और इसमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके xy का मान निकालना है। इसके अलावा एक नई इक्वेशन हमें दे रखी है y = mx + 3। xy का मान यहाँ से आएगा, वो y और x का मान रख के इस इक्वेशन नंबर थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू निकालनी है। सोल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं अपन। इक्वेशन सेकेंड दिख रहा है मेरे को, इक्वेशन सेकंड में 2x - 4y = -24 है, तो मैं यहाँ से दो का भाग ले सकता हूँ। मैं क्या दूंगा, दोनों पक्षों में दो का भाग देने पर बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा x - k 2y = -k 12। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए -k 12 + 2y। समीकरण किस में रखेंगे, ये दो से वैल्यू आई है तो किस में रखेंगे, फर्स्ट में, समीकरण एक में रखने पर। जैसे समीकरण एक में रखेंगे 2x की जगह -k 12 + 2y + 3y = 11, मल्टीप्लाई करेंगे -k 24 + 4y + 3y = 7y = 11, -24 उधर जाएगा तो +24, y = 4 + 5 = 2 + 3 = 35/7। जैसे 7 35 में 7 का भाग देंगे 5 आ जाएगा। 5 को किस में रख दी, इसमें रख दी इक्वेशन नंबर फोर्थ में, सेकंड का ही रूप फोर्थ है, तो समीकरण फोर्थ से अगेन जब हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x - k 2 × 5 = -k 12। x = -12 और ये +10 उधर जाएगा, -10 उधर जाएगा तो +10, x = -2। आंसर चेक करते हैं, अगर x = -2 लूँ तो -k 4 और y = आ रहा है +5, तो 5 × 15 - 4 = 11, -4 - k 20 - 24, बिल्कुल सही है। अब x व y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। जैसे एक्स वाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे हमारे पास क्या जाएगा, वाई क्या है, पहले समीकरण 3 लिख लेता हूँ मैं एक बार, y = mx + 3, अप्लाई करने पर y की वैल्यू 5 = m, ऐसे कैसे रहेगा, x की जगह मेरे पास है -2 + 3, मेरे को m चाहिए तो इधर आ गया 2m = 3 - 5, m = आ गया -2/2, m = -1, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया, m = -1। सबसे पहले एक्स वाई का मान निकाला है, उसके बाद एक्स वाई का मान समीकरण 3 में रखा है, वहाँ से क्या आया है, m का मान, यही हमें फाइंड करना था।